नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस नई वीडियो के थ्रू आज मैं आपको बात करूंगा बीएड एग्जाम्स के बारे में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मन में बहुत सारी क्वेरीज हैं और मैं आज इस बीएड से रिलेटेड ढेर सारी क्वेरी उठाने वाला हूँ। काफी टाइम से बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, मैं छोटे मोटे रिप्लाई कर रहा था, लेकिन आज मैं सिर्फ पर्टिकुलरली बीएड के बारे में बात करूंगा इस वीडियो में। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, जो आप लोगों ने क्वेरीज करी हैं, जो आपके क्वेश्चन है इस वीडियो के थ्रू। थोड़ी सी लंबी वीडियो है, 10 मिनट की वीडियो है, लेकिन इसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला क्वेश्चन है ज्योति कालरा जी का। इन्होंने मैसेज किया है, ये तो गलत बात है, अगले साल वाली जिन्होंने सोचा है बीएड करने के लिए आफ्टर ग्रेजुएशन, तो वो क्यों नहीं कर सकते हैं। मैम, मैं आपको बता दूं, ज्योति कालरा मैम, मैं आपको बता दूं कि आप नेक्स्ट ईयर बड़े आराम से बीएड कर सकते हो। बीएड जो है वो आपके लिए 2 इयर्स का ही रहेगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो बीएड का जो प्रोग्राम है वो 4 साल का उनके लिए, जो आफ्टर जो है, आफ्टर जो 12th करना चाहते हैं उनके लिए 3 साल का ग्रेजुएशन और 1 साल का बीएड है, और बाकी जो लोग हैं उनके लिए जो बीएड है वो 2 साल का ही रहेगा। ठीक है, अभिषेक खुशवाहा ने मैसेज डाला है, हेलो सर, मेरा 2019 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, क्या मैं बीएड कर सकता हूँ। बिल्कुल जी, आप बहुत आराम से कर सकते हैं और कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है जी, अमिता यादव ने मैसेज किया है, सर मेरा बीकॉम हो गया है, मुझे बीएड करना चाहती हूँ, बट 2019 में कैसे होगा, प्लीज गिव मी इन्फॉर्मेशन। अमिता मैम, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, आपने कुछ नहीं करना है। अगर आप चाहते हो यहाँ पे हरियाणा से करना चाहते हो, क्योंकि मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ, अंबाला से हूँ, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, 1956 एस्टेब्लिश्ड है, आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग, नॉन अटेंडिंग, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो है वो काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू होता है। आपको क्या करना है कि पहले ही अपना रजिस्ट्रेशन करवा देना है, और अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो वीडियो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करो, कांटेक्ट करो, आप हमारे काउंसलर से बात करो, आपका पहले ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और ये प्रोसेस जो है वो आपका जून में प्रोसेस, ये एडमिशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, और उसमें आपको बड़े आराम से सीट्स अलॉट हो जाती हैं, बड़े आराम से एडमिशन हो जाता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इसमें है मेरे पास सुभद्रा पटनायक, आर यू कंफर्म दैट नेक्स्ट बीए है आपका? हाँ जी बिल्कुल जी, अगले साल बीएड जो है वो 4 साल का ही होने जा रहा है। ये उन बच्चों के लिए जो 12th के बाद करना चाहते हैं, तो आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, और उसके बाद क्या है, अनुपमा, और ये इन्होंने कुछ पंजाबी में लिखा है, सॉरी मैं इसका आंसर नहीं दे पाऊंगा, मुझे पंजाबी नहीं आती है। आकांक्षा मखीजा, इन्होंने मैसेज किया है, सर मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, मुझे 2019 में बीएड में एडमिशन लेना चाहती हूँ, तो क्या मैं कर सकती हूँ। मैं बिल्कुल, आकांक्षा जी आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप बड़े आराम से बीएड कर सकते हैं। ठीक है जी, किसी भी, उसके बाद क्या है, अनुपमा जी का मैसेज आया, सर आई एम बीकॉम बट नॉट एलिजिबल, ये पंजाबी में मैसेज है, मैं क्या लिखूं इसको। उसके बाद क्या है, आदर्श तिवारी का मैसेज है, सर मैं सेकेंड ईयर में हूं, तो क्या मैं कर सकता हूं, बता दीजिए। बिल्कुल जी आप कर सकते हो, आप फाइनल ईयर कंप्लीट कीजिए, और कंप्लीट करने के बाद आपके, आपको कम से कम मिनिमम जो है वो आपको जो है वो 50% चाहिए। अगर आप लोग जर्नल हो तो मिनिमम टू मिनिमम आपको ओवरऑल ग्रेजुएशन में 50% चाहिए। और आदर्श तिवारी जी आप बीएड कर सकते हैं बड़े आराम से, कोई वो नहीं है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये है, क्या नाम है इनका, मनीष सोनी, पर मैं तो डीएलडी कर रहा हूं 2017 और 2019 तक, क्या एडमिशन हो सकता है। बिल्कुल जी हो सकता है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। फिर इसके बाद, हाय सर, यूपी बीएड का क्या प्रोसेस है। मैं आपको बता दूं, हर स्टेट का बीएड प्रोसेस अलग अलग है, मैं आपको सिर्फ हरियाणा का बता रहा हूं, बाकी हर यूनिवर्सिटी का प्रोसेस अलग अलग होता है। कई बार आपका एंट्रेंस टेस्ट भी होता है, पिछले कई सालों से कुछ यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस टेस्ट बंद हो गए हैं, डायरेक्ट आपकी ग्रेजुएशन के बेस पर ही एडमिशन हो जाता है। ये क्वेश्चन है आपका सुमन यादव जी का। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इंडियन वॉगलर्स हैं, इन्होंने मैसेज है, बीए फाइनल ईयर में हूं तो क्या एडमिशन होगा। बिल्कुल होगा जी, बीए, बीकॉम, बीएससी सभी लोग बीएड कर सकते हैं। पूजा कुमारी का मैसेज है, ये एडमिशन किस स्टेट का है, ये है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का, इसके अलावा आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। ठीक है जी, सर अभी कब तक एडमिशन है। मैं आपको बता दूं, जो बीएड में एडमिशन होती है वो आपका जून से लेकर और आप ये अगस्त तक चलता है, सितंबर तक भी चलता है, कई बार डेट एक्सटेंड हो जाती है, हर साल डेट एक्सटेंड हो जाती है, अदरवाइज यही सेम प्रोसेस है। ठीक है जी, आगे चलते हैं।
और क्या क्या मैसेज किया हुआ है लोगों ने, मेरा ग्रेजुएशन 2019 में कंप्लीट हो गया है, मेरे लिए बीएड 4 साल का है, 2 साल का है भैया। ये क्या नाम है इनका, फैरिया शेख। मैं आपको बता दूं कि आपका जो आपने ग्रेजुएशन किया है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपको जो मौका मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ 2 ईयर्स का ग्रेजुएशन करना है, आपको 4 ईयर का ग्रेजुएशन नहीं करना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। लक्ष्य जाहिद, सर मैंने बीएससी किया है, अब मैं एडिशनल बीए विद इंग्लिश कर रही हूँ, क्या मैं अगले साल बीएड में इंग्लिश सब्जेक्ट कर सकती हूँ? बिल्कुल जी, आप बीएड में टीचिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, आप जिस मर्जी सब्जेक्ट से कर लीजिए जिसमें आप इंटरेस्टेड है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। टोटल एक साल में 8 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें 2 आपके टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं, चाहे आप मैथ्स इंग्लिश ले लीजिए, चाहे आप साइंस, जो भी आपको कॉम्बिनेशन लेना है टीचिंग में, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके अलावा आगे चलते हैं। सर मैंने गवर्नमेंट कॉलेज फिल किए थे काउंसलिंग में, बट एक भी कॉलेज नहीं मिला मुझे। सर जो ड्राफ्ट बन गया था उसके पैसे भी वापस नहीं आए अकाउंट में, सो प्लीज सजेस्ट मी। मैं आपको बता रहा हूं कि देखो, गवर्नमेंट का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। इसमें आपको क्या होता है कि मेरिट के बेस पे लिया जाता है, इसीलिए आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप डायरेक्टली क्या करो, ऑनलाइन किसी भी कॉलेज में जाके डायरेक्टली आप जाके वहां से एडमिशन लेके वहां उन्हीं के कॉलेज का अप्लाई करवा के आप एडमिशन ले सकते हो। अगर आप डायरेक्ट गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाओगे तो मेरिट बेस्ड पे कॉलेज अलॉट होते हैं, और हो सकता है आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन ना मिले, और जो आपके रजिस्ट्रेशन फीस है 4 से 5 हज़ार रुपये, वो भी आपके पानी में चले जाएंगे। तो इसमें मैं आपकी यही मदद कर सकता हूँ कि आप डायरेक्ट वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके डायरेक्ट आप हमारे कॉलेजेस के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर मैं 2018 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, और सर बीएड का एग्जाम दिया था मैंने, क्लियर नहीं हुआ, तो मैं क्या 2019 में फिर से दे सकता हूँ? बिल्कुल जी, अगर आप एंड ग्रेजुएशन में किया है और इस बार बीएड के एग्जाम के लिए मैंने क्लियर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आप बड़े आराम से कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें है सर कुणाल, कुणाल ब्रोड का मैसेज है, 12th कॉमर्स से स्टूडेंट बीएड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल जी, साइंस से भी कर सकते हो, कॉमर्स से भी कर सकते हो, आर्ट से भी कर सकते हो, इवन बहुत सारे ऐसे कंप्लेंट वो आ रहे हैं, कंप्लेंट कह रहा हूँ मैं, बहुत सारे ऐसे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं वो भी बीएड कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है जी, अमन सिंह का मैसेज आया हुआ, कंप्लीट माई बीएससी ऑनर्स मैथ्स नेक्स्ट ईयर जून, सो वुड आई एबल टू डू बी एड आफ्टर दैट? बिल्कुल जी, आप कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है अमन सिंह जी, आप बी एड कर सकते हैं। उसके बाद कुनाज ब्रो, अगर अगर किसी में 1 साल 2 साल 3 साल से पहले एडमिशन में ले रखा है, तो फिर से क्या बी एड के लिए ग्रेजुएशन तो नहीं करना पड़ेगा? अरे भैया, पहले आप ग्रेजुएशन करोगे उसके बाद बी एड होती है, पहले आपको बीए बीकॉम बीएससी या इंजीनियरिंग से आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन के बाद आप जो है वो बीएड कर सकते हो, ये पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ऑल थिंग्स ने मैसेज किया है, सर मुझे बीएड में एडमिशन लेनी है, अब क्या कर सकते हैं? बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, आप जो है अगर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई करना चाहते हो, तो वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें, कांटेक्ट करें, सबसे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको पूरा प्रोसेस समझाया जाएगा, इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स अप्लाई होंगे, और उसी कॉलेज के लिए हम आपको अप्लाई कर देंगे, तो आपको आराम से एडमिशन मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है जी, कोमल गुज्जर ने किया है, सर मेरी 2020 में बीएससी कंप्लीट हो जाएगी, तो मुझे टीचर बनना है, तो टीटेट के लिए मुझे बीएड करना जरूरी है? आप बोल रहे हो कि इसके बाद बीएड नहीं होगा, भैया ऐसा कुछ नहीं है, बीएड हर साल होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग शायद इसको गलत तरीके से समझ रहे हो, इसीलिए मैंने स्पेशली वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को मैं ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे सकता हूँ। हर कोई आदमी जो है अपने हिसाब से इस वीडियो को इंटरप्रिटेट कर रहा है, ठीक है जी, इसीलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। और इसमें श्वेता कुमारी का है, सर मेरा बीए अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो क्या मैं इस साल बीएड में एडमिशन ले सकती हूँ? नहीं, अगर जब तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, आप बीएड में एडमिशन नहीं ले सकते। तो दोस्तों, ये मैंने सारे बीएड के लिए नए क्वेश्चन लिए हैं, अगर बीएड के रिगार्डिंग आपको बुक्स चाहिए तो भी आप इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी आपको बीएड से रिलेटेड अच्छी से अच्छी नई जानकारी मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।